बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जनाब, तो आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने आई हूँ वो है बेसिकली एग पराठा विद फुल 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 ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है जनाब, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। आप लोग ये क्विकली ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दे सकते हैं। टाइम टेकिंग नहीं है, बिकॉज इसमें आपको स्पेशल आटा गूंदना नहीं है। आप ये लिक्विड डो से हम लोग रेडी करेंगे, और इन द मीन वाइल ये इन द सेम टाइम बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, बिकॉज हम इसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करने वाले हैं। और प्लस ये कि एग तो आपको पता ही है कि फुल ऑफ प्रोटीन है, तो ये हेल्दी भी है, क्विक भी है, और सेम टाइम डिलीशियस भी है। ठीक है जनाब, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा, आपकी मर्जी है, आप इसे किसी भी आटे के साथ बना सकते हैं। उससे मेरी मुराद क्या है कि लाइक मैंने यहाँ पर चक्की का आटा, जिसे हम आम रोटी पकाते हैं, वो लिया हुआ है 1 कप। ठीक है, आप इसकी जगह मैदा ले लें, आप इसकी जगह ओट्स का आटा ले लें, आप इसकी जगह मल्टीग्रेन आटा ले लें, ऑल अप्स टू यू। ये सब के साथ बन जाएगा। ऑलराइट, मैंने सिंपल जो घर में हम लोग चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं वो मैंने 1 कप इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पर लिया हुआ है, जो मैं अपनी रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी फटाफट से। मैंने यहाँ पर 2 जो है वो मीडियम साइज़ की ग्रीन चिलीज चॉप की हुई है फाइनली, मैं ये शामिल कर रही हूँ। अच्छा, स्पाइसेस जो चिलीज हैं और जो नमक है वो मैं हमेशा कहती हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से डाला कीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर स्प्रिंग अनियन लिया हुआ है, ठीक है, 2 टेबलस्पून भर के स्प्रिंग अनियन मैंने डाल दिया। वेजिटेबल जो आपको पसंद हो वो डालें, जो आपके पास अवेलेबल हो वो डालिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर गाजर लिया एक मीडियम, उसको मैंने चॉप किया हुआ है। एक मैंने शिमला मिर्च लिया था चॉप किया हुआ है, उसको एक मैंने प्याज लिया हुआ था जिसको मैंने चॉप किया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये सब डाल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल ये बनेगा और ये बहुत डिलीशियस बनता है और थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली बड़ा सॉफ्ट सा बनेगा इंशाल्लाह, और इसको ज़रूर आपने ट्राई भी करना है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही मैं अपना फेवरेट हरा धनिया इस्तेमाल करूँगी, और स्पाइसेस में मैंने लिया नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून के जितना भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। ठीक है जनाब, तो दीज आर ऑल द वेजीज एंड स्पाइसेस जो मैं इसमें इस्तेमाल करने लगी हूँ। अब मैंने इसको एक अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरीके से स्पून से मिक्स कर लीजिए, ताकि आटे में अच्छे तरीके से जो वेजिटेबल्स और स्पाइसेस हमने डाले हैं वो मिक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 3 अदद अंडे, ठीक है, 3 अदद मैं इसमें अंडे शामिल करूँगी। अच्छा, मैं आप लोग अब क्वांटिटी आगे पीछे ऑब्वियसली कर सकते हैं, ज़्यादा कम डेफिनेटली कर सकते हैं। अंडे एकदम से कभी भी नहीं डालते हैं अपने सारे बैटर में, कोई हो सकता है कि ख़राब अंडा निकल आए, तो वो क्या होता है कि सारा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आप हमेशा अलग से अंडा प्याली में निकालिए किसी भी, और फिर आप डालिए, ठीक है, ताकि आपका जो बकाया जो मसाला है वो ख़राब ना हो, ठीक है जनाब। तो सेकंड छिटका भी चला गया इसमें, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो अच्छा, ये चला गया सेकंड एग, और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3rd egg शामिल करेंगे हम। तो आप इसे मतलब लाइक लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए, संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाइए। ब्रेकफास्ट के लिए तो मैं कहती हूँ कि बेस्ट रेसिपी है ये, और बहुत ही अच्छी रहती है ये, ठीक है, ब्रेकफास्ट में। चले, अंडे के साथ पहले इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। अच्छा, हम लोग इसको बिल्कुल आटे की तरह नहीं गूंदेंगे, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये लिक्विड डो है, तो हम इसमें पानी डाल के इसको लिक्विड डो की तरह बनाएंगे, और इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी रखिएगा कि ना ही ये बहुत ज़्यादा रनी हो और ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक हो, ठीक है। तो इस तरह हम इसकी कंसिस्टेंसी को रखेंगे, ठीक है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ, और थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल कीजिएगा, एकदम से बहुत ना डालिएगा, ठीक है, ताकि हाँ ऐसा ना हो कि एकदम से आप बहुत ज़्यादा डाल दें तो वो जो बैटर है वो एकदम से रनी हो जाए, और उसके बाद आपको ज़्यादा आटा या ये चीज़ें शामिल करनी पड़े, ठीक है। उससे फिर क्या होगा कि फिजूल में आपकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और सारी चीज़ें फिर ख़राब हो जाएंगी, ठीक है ना, फिर हर चीज़ बढ़ानी पड़े। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी शामिल करूँगी इसमें,
और जो मुझे कंसिस्टेंसी जहाँ पर मुझे सही लगेगी ना, मैं वहाँ पर स्टॉप कर दूँगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जो बैटर है वो रेडी हो रहा है। ठीक है, चलें, अभी ये गाढ़ा है, ये देख सकते हैं आप, ये बहुत गाढ़ा है। ठीक है, हमने ऐसे इस तरह अगर हम लोग तवे पे या पैन में रखेंगे तो ये स्प्रेड सही से नहीं होगा। हमने इसको रनी करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी रनी नहीं करना है। ठीक है, नाउ दिस इज़ आई गेस ओके, ये मुझे ठीक लग रहा है, नाउ दिस इज़ फाइन। ये देखिए, ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी ताकि पानी जो है वो अलग अलग से ना लगे, बल्कि पूरा एक बैटर अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। चले, ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी इस बैटर को, और उसके बाद हम जल्दी से इसके पराठे बना लेंगे। ठीक है, और मैं पराठे बना रही हूँ देसी घी में, थोड़ा सा ही देसी घी हम इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। आप चाहें ऑयल में बनाएं, आप चाहें बटर में बनाएं, आपको जैसे पसंद हो आप वो बना सकते हैं। ठीक है, मैं देसी घी घर में ही बनाती हूँ, मेरे पास घर का ही देसी घी है तो मैं उसी में ही बनाऊँगी। ठीक है जनाब, इसको मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए ढक दूँगी और उसके बाद हम जल्दी से इसके पराठे बनाते हैं। जी तो जनाब, यहाँ पर मैं आपको ये दिखाती चलूँ कि मैंने इसको बैटर को ढक के रख दिया था। ठीक है, और इसको 10 मिनट हो चुके हैं और अब आप इसको देख सकते हैं कि इसकी शक्ल जो है वो कुछ ऐसे है, और ये हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोई भी आप मेजरिंग कप ले लें, बड़ा स्पून ले लें, जिससे आप इसको आराम से पैन में डाल सकें। मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन लिया है और जिसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा है, और इसी फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे। हमने फ्लेम हाई नहीं करना, बिकॉज आपको पता है इसमें आटा भी है, इसमें एग भी है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये ऊपर से जो है वो जल जाए और अंदर से लाइक ये पके ही ना, डो ना, तो इस वजह से हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करना है। अब मैं इसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ इस पर स्प्रेड करने लगी हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको फैला लीजिए, इवनली फैलाइएगा ताकि ये ऐसा ना हो कि बीच से जो है वो मोटा रह जाए और साइज के जो किनारे हैं वो पतले पतले हो जाए, मतलब इवनली। ठीक है, ताकि वेजीज भी और इवनली डो हर तरीके से, हर तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर लीजिएगा। ठीक है जनाब, और इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह ही हम इसको वेट करेंगे। तो ये जब अच्छे से इसके ऊपर बबल्स आने लग जाएंगे ना, तो हमें खुद ही से फील होना शुरू हो जाएगा कि ये नीचे से कुक हो गया है। उसके बाद हम इसको आराम से फ्लिप कर लेंगे, और इस टाइम मैंने इस पर कोई मतलब ऑयल नहीं डाला है, अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है, नॉन स्टिक पैन मैंने इसी वजह से लिया था कि ये चिपके ना। ठीक है, जब हम इसको फ्लिप करेंगे उसके बाद ही हम इसमें देसी घी लगाएंगे। ठीक है जी, तो जनाब अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, हल्के हल्के से अगर आपको बबल्स नज़र आ रहे हो तो अभी पहले जब हमने लगाया था तो ये बिल्कुल वाइट था, राइट। अब देखें, ये रोटी की तरह जैसे हल्का सा ब्राउनिश शेड होता है रोटी का, वैसे आने लग गया है। ऐसे हम लोग इसको साइड से पहले इस तरीके से वो करेंगे ताकि ये साइज छोड़ दे। ठीक है, इस तरीके से चले हो गया ऐसे, अब हम इसको फ्लिप कर लें, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इस पर लगा लूँगी देसी घी, आप ऑयल लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, और अब ये ऑटोमेटिकली इसका ब्यूटीफुल सा जो कलर है ना पराठे का वो आ जाएगा खुद ही। इसको मैं इस तरीके से कर लेती हूँ ताकि ये चारों तरफ से जो घी है वो इस पर लग जाए। ठीक है, बस इसी तरीके से हम पराठे को पका लेते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल पराठा लग रहा है, ये देखें कितना प्यारा इसका अल्हम्दुलिल्लाह कलर आ गया है इस साइड से, और ये कलरफुल सा, फुल ऑफ वेजिटेबल्स, और इतनी कोई प्यारी खुशबू आ रही है ना मेरे किचन में। आपको तो पता है देसी घी के पराठे भाई, तो बहुत ही जो है वो डिलीशियस ये होता है, बड़ा ही यकीन करें ये सॉफ्ट सा होता है,
और बड़ा ही मज़ेदार। इसी तरीके से मैं सारे जो है वो पराठे पका लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको इसका फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी तो जनाब, लीजिए, हाजिर है झटपट बनने वाले एग पराठा, ठीक है, और वो भी लिक्विड डो के साथ। और आप इसे ट्राई कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ, जैसे कि मैंने सर्व किया हुआ है। ग्रीन चटनी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं ये। उसके अलावा आप दही के साथ इसको ले सकते हैं, आप इसको मेयोनीज़ के साथ, केचप के साथ, जो आपको पसंद है उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं और इसको गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए। और मैं आपको जैसे कि शुरू से कह रही थी कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। अच्छा, साइजेस भी आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। वो देखिए, मैंने थोड़ा मीडियम साइज़ रखा है, ये मैंने सही जो है वो साइज़ जो होता है वो मैंने रखा है। तो इट्स ऑल अप टू यू, आप किसी भी साइज़ में इसको पका सकते हैं। लुक एट दिस, हाउ सॉफ्ट दे आर। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और ये बहुत डिलीशियस बनते हैं। इसको आपने ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है। ब्रेकफास्ट में, लंच में, टिफिन बॉक्स में हस्बैंड को बना के दीजिए, जैसे आपको दिल करे आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इसको ज़रूर ट्राई करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। सर, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और खुश रहें, खुश रहने दें। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।